एक बार की बात है, गांव में रहने वाला एक जवान लड़का इस बात से परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते ही रहते हैं। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती। वो या तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता रहता है कि काश मैंने इस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर डरा रहता है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं सफल ना हो जाऊँ, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक व असफलता से भरे विचार उसके मन में हर समय चलते रहते। वो हमेशा ही विचारों में खोया रहता और अंदर से डरा हुआ सा रहता। फिर उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के जंगल के नीचे एक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वो लड़का उन बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षुक उस लड़के की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, तो तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? लड़के ने कहा, मुनिवर, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और साफ कैसे करते हैं? भिक्षु ने कहा, मन को खाली और साफ करना कोई एक दो दिन का काम नहीं है, ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, हाँ मुनिवर, मैं कितनी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं, आओ एक एक करके उन्हें समझते हैं। मन को नकारात्मक विचारों से दूर करने का पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन और गरिमा रहित इंसान महसूस करवाएं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद पद और धन में थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन वो अपने इसी पद और धन के घमंड में अपने से थोड़े नीचे के स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वो हमेशा ही अपने से छोटे लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि वो कितने छोटे हैं और वो जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर तुम्हें लक्ष्यहीन बना देंगे। तुम्हें खुद की काबिलियत पर संदेह होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना आनी शुरू हो जाएगी, और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएंगे। दूसरा, बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझें, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, इसीलिए मित्रों का सही होना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों के औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो ईमानदार हैं, तो धीरे धीरे तुम भी ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वो 5 अमीर हैं तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। संक्षिप्त में, तुम वही बनते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने भी कहा है कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, मन को खाली करने का तीसरा तरीका है, वर्तमान में जियो। भिक्षुक ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना वर्तमान अवश्य बदल सकते हो, इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों और कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है, इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, चौथा, स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी, और फिर वैसा ही हमारे शरीर और मन का व्यवहार भी होगा। अगर तुम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जिसमें खुद कोई जीवंतता नहीं है, जैसे कि मांसाहार, तो तुम्हारी मन स्थिति पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जब शरीर अस्वस्थ और कमजोर होता है तो मन में बहुत से नकारात्मक और हीनता के विचार आते हैं। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, पांचवा, रोज अकेले में ध्यान करो। ध्यान किसी के साथ नहीं, हमेशा अकेले ही करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात में सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें आसानी से ध्यान में गहरा जाना है
तो रात का समय सबसे उपयुक्त होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान देने से ध्यान करने वाले को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो रोज कुछ समय खुद के साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो। ये देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो या अपने साथ अकेले में वक्त बिताते हो तो तुम धीरे धीरे खुद को जानना शुरू कर देते हो। तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ जाता है, तुम्हारा उतावलापन कम हो जाता है, तुम कम बोलते हो, आसपास की चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देते हो, ज़्यादा शांत और स्थिर रहते हो, जिससे तुम्हारा आकर्षण सहज ही बढ़ जाता है। तुम सैकड़ों की भीड़ में भी अलग दिखते हो। और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से तुम्हारे मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, छठवां और आखिरी, नई नई जगहों पर घूमने जाओ। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों से भी ज़्यादा ज्ञान दे देती है। तुमने देखा होगा कि बौद्ध भिक्षुक साल के 9 महीने लगातार घूमते ही रहते हैं। उनके घूमने के पीछे का एक कारण ये भी है कि नई नई जगहों पर जाने से मन को नयापन महसूस होता है, जिससे मन हमेशा ही उत्साहित और ऊर्जा से भरा रहता है। कोशिश करो कि प्रकृति की सुंदरता से भरे स्थानों पर घूमने के लिए जाओ। जब घूमने जाओ तो अपने आसपास की हर चीज़ पर पूरा ध्यान दो। इससे तुम्हारी चीज़ों पर ध्यान देने की आदत बढ़ेगी। प्रकृति की सुंदरता और उसकी आवाज़ में खोने की आदत डालो। वर्तमान में जियो। अपना अतीत, अतीत में हुई गलतियाँ और सारी चिंताओं को भूल जाओ। बस यही है मन को खाली करने का सूत्र। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।